We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे अगले वीडियो की जो एप्लीकेशन थी जिसमें हमने आपको याद हो तो एक इमेज व्यू और दो स्पिनर, इस तरह का हमने एक लेआउट डिज़ाइन किया था। और फिर हमने क्या किया था कि यहाँ से कोई शेप क्लाइंट सेलेक्ट करेगा तो वो शेप ग्रेडियंट के साथ ड्रॉ होगा, और यहाँ से जब हम एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे तो वो एनिमेशन इस शेप पे अप्लाई होगा। ओके, और ये हमने अप्लाई जो किया है, मतलब कि शेप ड्रॉ करने का लॉजिक कोड और ये एनिमेशन अप्लाई करने का और उसे डिफाइन करने का, एनिमेशन को डिफाइन करने का, अप्लाई करने का, ये दोनों ही चीज़, शेप को ड्रॉ करने का और एनिमेशन को डिफाइन करने का, दोनों ही चीज़ हमने प्रोग्रामेटिकली की थी। ओके, फिर मैंने आपको एडिशनली लास्ट में ये भी बताया था कि हम ऐसा भी कर सकते कि यहाँ पे एक शेप सिलेक्ट कर लिया, एक एनिमेशन सिलेक्ट किया तो वो एनिमेट हुआ। अब यहीं से क्लाइंट कोई दूसरा शेप सिलेक्ट करता है, ओके, तो वो शेप आना चाहिए और उस शेप पे यहाँ पे जो सिलेक्टेड एनिमेशन है वो भी परफॉर्म होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए देखो, यहाँ पे मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखो, अभी मैं सपोज के राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी सिलेक्ट होने के बाद रोटेट होगा। ओके, तो वो चीज़ मैंने अप्लाई कर दी है, लेकिन किस तरह से आप देखो कि ये अप्लाई करने के लिए एक्चुअली जो एनिमेशन का कोड है, एनिमेट करने का कोड, वो जो हमने इसके पहले जब एप्लीकेशन को अगले वीडियो में डेवलप किया तो हमने वो कहाँ लिखा था, स्पिनर की मेथड के अंदर, स्पिनर की जो ऑन सिलेक्टेड लिस्नर है, हैंडलर, उसका एक इवेंट हैंडलर, कौन सा, ऑन सिलेक्टेड, ओके, ऑन आइटम सिलेक्टेड, उसके अंदर कोड लिखा था हमने। देखो, ये ऑन आइटम सिलेक्टेड जो मेथड है, दिख रहा है आपको, उसके अंदर यहाँ पे मैंने वो कोड लिखा था हमने कल। ओके, वो कोड क्या था कि एनिमेशन को डिफाइन करना, ओके, और डिफाइन तो यहाँ पे कर दिया है, तो एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने का कोड वो यहाँ पे लिखा था, उसकी जगह पे वो जो कोड है वो मैंने एक मेथड बना लिया है और उसके अंदर डिफाइन किया है। ये यूज़र डिफाइंड मेथड मैंने बनाई है, स्टार्ट एनिमेशन। ओके, सो आई हैव डिफाइंड वन मेथड स्टार्ट एनिमेशन, एंड जो वहाँ पे लिखा था कल अगले वीडियो में, वो सब मैंने इस मेथड के अंदर लिख दिया। देखो, स्पिनर वन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजिशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जब एनिमेशन सिलेक्ट होता है कोई भी तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या शेप सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर शेप सिलेक्ट नहीं हुआ तो एनिमेट करना ही नहीं है। इसलिए पहले हमने ये चेक कर लिया कि क्या कोई भी शेप सिलेक्ट हुआ है। और दूसरी एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी जो कल अगले वीडियो में नहीं थी, वो ये कि एंड एनिमेशन नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अब इस कोड को शेप सिलेक्ट होने पे भी हम कॉल करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि एनिमेशन सिलेक्ट तो एक बार हो गया। ओके, अब मैं सपोज के शेप सिलेक्ट करता हूँ, शेप सिलेक्ट किया तो भी एनिमेशन अप्लाई हुआ है, एनिमेशन का कोड रन हुआ, मतलब कि ये एनिमेशन का जो कोड है, ओके, वो हम शेप सिलेक्ट होने पर भी कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शेप सिलेक्ट होने से पहले कोई एनिमेशन सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। ओके, तो हमें ये भी चेक करना है कि एनिमेशन कोई सिलेक्ट हुआ है या नहीं। अगर एनिमेशन सिलेक्ट नहीं हुआ है तो एनिमेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने दो कंडीशंस चेक किए,
spinner 1 dot get selected item position is not equal to 0 and animation is not equal to null. मतलब कि animation select हुआ है पहले कोई भी animation और कोई भी step select होता है तो animation dot set duration और animation को फिर image view पे start कर दिया. अब इस method को animate करने का जो code है इस method को हमने call कहाँ पे किया है यहाँ पे स्विच केस के तुरंत बाद दूसरे स्पिनर में जब क्लाइंट सिलेक्ट करता है कोई आइटम तो वहाँ पे कॉल किया. एडिशनली यहाँ पे देखिए आप ये जो पहला स्पिनर है हमारा उसकी ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड जो है उसमें स्विच केस में जहाँ पे हमने शेप को डिफाइन किया है और उसके एट्रीब्यूट सेट किए हैं वहाँ पे भी शेप सिलेक्शन के बाद जहाँ पे हमने शेप को कलर और ग्रेडियंट अप्लाई किया था उसके बाद शेप को ड्रॉ किया उसके बाद ये लाइन देखो मैंने यहाँ पे ऐड की है. तो जो अगला वीडियो था उसमें जो कोडिंग था उसमें इतना मैंने चेंज किया कि स्टार्ट एनिमेशन मेथड के अंदर एनिमेशन का कोड लिख दिया दो लाइन का फिर उस मेथड को मैंने इमेज ड्रॉ करने के बाद भी कॉल किया यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन और यहाँ पे भी एनिमेशन सिलेक्ट करने के बाद भी कॉल किया. एक एडिशनली आप ये चीज़ कर सकते हो कि केस ज़ीरो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो केस ज़ीरो में एनिमेशन को नल कर देना है और कुछ नहीं. जैसे कि यहाँ पे अभी अब देखो सिलेक्ट एनिमेशन कुछ नहीं है ओके और यहाँ से अगर क्लाइंट इलिप्स सिलेक्ट करता है तो भी वो रोटेट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पहले हमने रोटेशन सिलेक्ट किया था एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई इसलिए. तो हम ये कर सकते कि यहाँ पे केस जीरो में एनिमेशन को नल ओके और अगर एनिमेशन को यहाँ पे हमें नल नहीं करना है ओके अगर नल नहीं करना है तो हम दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने चेक किया है कि स्पिनर वन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए मतलब कि शेप सिलेक्शन का स्पिनर उसकी सिलेक्टेड आइटम ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. उसी तरह से यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कंडीशन एंड स्पिनर टू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जैसे नीचे दूसरे स्पिनर में हमने स्पिनर वन का पोजीशन चेक किया उसी तरह से ये स्पिनर वन का कोड जो है उसमें स्पिनर टू की पोजीशन चेक कर ली ओके. इससे क्या होगा कि अगर स्पिनर में ज़ीरो पोजीशन मतलब कि कोई एनिमेशन सिलेक्ट नहीं हुए तो इमेज को चेंज करने से एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा. एनिमेशन तभी अप्लाई होगा जब एनिमेशन में कोई दूसरे स्पिनर में कोई एनिमेशन सिलेक्ट किया हुआ है अदरवाइज नहीं होगा. सी यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल ओके तो कोई एनिमेशन उसमें अप्लाई नहीं होगा. अच्छा ये तो पहली बार भी ड्रॉ नहीं हुआ ना तो यहाँ पे हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि स्पिनर टू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है ना कंडीशन चेक किया है ना उसको हम इस कंडीशन को स्टार्ट एनिमेशन के पहले चेक करते हैं ओके क्योंकि ये शेप तो ड्रॉ करना ही है चाहे एनिमेशन सिलेक्ट हुआ हो या ना हो. इमेज जब सिलेक्ट होती है तो इमेज तो ड्रॉ करनी ही है केवल एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले चेक करना है कि एनिमेशन में जो सिलेक्टेड
इंडेक्स है वो जीरो ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अभी रेक्टेंगल, ठीक है आया, फिर हम सिलेक्ट करते हैं रोटेट, हुआ। अब हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से स्क्वायर, तो वो भी रोटेट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट एनिमेशन ऐसा कर दूँ, मतलब कि कोई भी एनिमेशन सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं देखो इलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ तो अब वो रोटेट नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब यही था। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट शेप ऐसा लिख देते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे कोई शेप मतलब कि ड्रॉ नहीं होना चाहिए, या फिर नो शेप का ऑप्शन भी रख सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे नो शेप का ऑप्शन भी रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट शेप पे क्लिक करें तो कोई भी शेप ना हो, तो हमें केस ज़ीरो लिखना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ पे शेप को नल कर देना पड़ेगा। लेकिन उससे बेहतर ये ऑप्शन है कि भाई जो भी है, ओके ये सर्कल है, यहाँ पे सिलेक्ट शेप पे क्लिक करता है तो सर्कल जो भी है वो लास्ट सिलेक्शन वो दिखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे केस ज़ीरो लिखना पड़ेगा। केस ज़ीरो में आपको शेप ड्रॉएबल इक्वल टू नल कर देना पड़ेगा। ओके, तो तब जाके वो शेप वहाँ से नल हो जाएगा। हमने ये कंडीशन लिखी है यहाँ पे, इसलिए वो लास्ट जो शेप है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है। अगर पोजीशन को ज़ीरो कर देंगे तो वो शेप भी चला जाएगा। यहाँ पे सपोज कि केस ज़ीरो में हम लिख देते हैं कि इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल नल। ओके, तो वो करने पे चला जाएगा। मैं जो कोड आपको इस वीडियो के साथ सेंड कर रहा हूँ उसमें तो मैंने ये अप्लाई कर ही दिया है। ओके, ये चेंज मैंने उसमें कर दिया है। लेकिन अच्छा क्या रहता है कि हम सिलेक्ट शेप पे क्लिक करें तो जो पिछला वाला शेप है वो डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो अच्छा लगेगा। अदरवाइज नो शेप का ऑप्शन हम रख सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल। ओके, अब सपोज कि सिलेक्ट शेप तो चला गया। ओके, और वापस कोई शेप सिलेक्ट करेंगे, एलिप्स, स्केल, वापस राउंडेड रेक्टेंगल, तो वो भी स्केल होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर देते हैं सिलेक्ट एनिमेशन तो अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि जो मैंने बात की थी वीडियो में आपके साथ, हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे वापस मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।